हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आपने अपनी आज की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लेट गो करो, सरेंडर करो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, वो भी कहते रहते हैं कि हमें लेट गो करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो सरेंडर करना क्या होता है, लेट गो करना क्या होता है, वो हम पहले समझते हैं इस वीडियो में। जब भी हम कहते हैं कि हमें लेट गो करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें चीज़ों को लेट गो करना है या किसी इंसान को लेट गो करना है या सिचुएशन को लेट गो करना है। जब भी हम कहते हैं कि हमें लेट गो करना चाहिए, इसका मतलब है हमने जो कंट्रोल करके रखा है उस चीज़ पर, उस सिचुएशन पर, उस इंसान पर, हमें उस कंट्रोल को लेट गो करना है। हमें जो अटैचमेंट्स हमने रखे हैं, हमें उन अटैचमेंट्स को लेट गो करना है। तो जब भी हम इस कंट्रोल को रिलीज करते हैं, हम उसे लेट गो करना कहते हैं। तो जब भी हम अपने लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं, हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपने हायर सेल्फ से काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम नदी में नाव चलाते हैं, तो अगर पानी का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट हम जाकर उस नाव को चलाना स्टार्ट करते हैं, तो कितना ज़्यादा आपको पैडल भी घुमाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी नाव भी आगे नहीं बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इस तरह से लाइफ में भी होता है, जब भी हम फ्लो के ऑपोजिट चलना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, और फिर हम कंट्रोल करने लगते हैं अपने लाइफ में चीज़ें। तो जब भी हम अपने लाइफ में फ्लो के साथ जाना स्टार्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है हम सरेंडर करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल की हमारी जो एक्टिविटी रहेगी वो ये रहेगी कि आपको दिन का 10 मिनट्स निकाल के प्रेयर करना है। अब प्रेयर आप किसी भी गॉड को कर सकते हो, जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो, जिस पर भी आपका फेथ है, बिलीव है, आपको उनको प्रेयर करना है। क्योंकि हम जब भी प्रेयर करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं गॉड को। जब भी हम प्रेयर के स्पेस में होते हैं, हम अपनी लाइफ की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसका मतलब है हम पूरी तरह से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जब तक हम इस प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लाइफ की चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें एक्सेप्ट करना है, फिर हमें फेथ रखना है, आगे जो भी हमारे लाइफ में होगा उसमें हम फेथ रखते हैं कि राइट टाइम पर, वो डिवाइन टाइम पर चीज़ें जब होनी है हमारे लाइफ में, तब वो चीज़ें होगी। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं हम। जब भी सरेंडर कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ें अपने लाइफ में, और फिर हम फेथ रख रहे हैं कि आगे जो होगा वो सही होगा हमारे लिए। तो स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो और डार्क नाइट ऑफ द सोल के स्टेज से पास हो रहे हो या पास हो चुके हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज रहता है। जब चारों ओर हमारे अंधकार दिखता है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है हमें अपने लाइफ में बाहर निकलने का, तो उस वक्त फिर हम अपने आप को इस डिवाइन को सरेंडर कर लेते हैं। फिर आपको अपने लाइफ में वो रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी जो बाहर निकलने का रास्ता है वो सरेंडर ही है। तो सरेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम जब भी सरेंडर करते हैं, हम स्पेस दे रहे हैं डिवाइन को कि वो हमारे थ्रू काम करे, हमारा जो हायर सेल्फ है वो हमारे थ्रू फिर काम करेगा, और आपको फिर अपने रास्ते भी दिखते जाएंगे। आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है, क्या क्या ब्लॉक्स है जो आपको क्लियर करने हैं, फिर आप अपने लाइफ जर्नी में आगे निकलते जाओगे। कल हम सरेंडर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन यूज़ करेंगे, जिसे हम प्रेयर बोलते हैं। तो कल की हमारी एक्टिविटी रहेगी, आपको 10 मिनट निकालकर प्रेयर करना है और अपना सारा जो पेन है, सारा जो कंट्रोल है, आपको अपने डिवाइन पर छोड़ना है और आपको उसे हैंडल करने देना है आपकी लाइफ की जर्नी। सो ये हमारी कल की एक्टिविटी रहेगी। इवनिंग में कल हम मिलेंगे, कल हमारा लास्ट डे रहेगा सेल्फ लव चैलेंज का। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।